दिन सबसे सब बड़ी चीज़ पता क्या थी, हमने ऑफ कैमरा एन्जॉयमेंट की। मैंने कैमरा नहीं खोला, मुझे प्रभ ने बोला भाजी ब्लॉग बना लो। मैं हर साल जब से मैंने ब्लॉगिंग किया, मैं अपने बर्थडे का ब्लॉग बना रहा हूँ, बट ये पहला साल था जिस दिन मैंने ब्लॉग नहीं किया था। बट देन आई रियलाइज कि आई वॉन्ट टू शेयर वट आई डिड ऑन माई बर्थडे, सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस ब्लॉग टू टेल यू ईच एंड एवरी थिंग। इंसान की ज़िंदगी में ना एक रेस लगी हुई है और वो रेस में हर इंसान दौड़ रहा है, बट कभी कभी वो रेस से ब्रेक लेके थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए। हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू द अनदर एंड आफ्टर सो लॉन्ग व्लॉग ऑफ राजन लूथरा। बहुत वक्त के बाद हमने आज ये कैमरा पकड़ के व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है। ट्रस्ट मी, आई वॉज रियली स्केयर्ड ऑफ कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड टॉकिंग टू यू, बिकॉज जब एक महीने का गैप पड़ जाता है और उसके बाद दोबारा वो चीज़ कंटिन्यू करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो, एंड आई गेस और भी जो क्रिएटर्स होंगे उनके लिए भी। ये एक तरह से पढ़ाई की तरह होता है, अगर आप पढ़ोगे रोज़ तो आपको वो चीज़ आसान लगेगी, बट अगर आप एक साल डेढ़ साल पढ़ोगे नहीं फिर दोबारा बुक्स खोलोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो सेम गोज़ विद दिस। पहले तो आप सबका दिल से, मतलब दिल से बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने मुझे बर्थडे पे विशेस की, एंड आप सब ने मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल बनाया। थैंक यू वेरी मच। आई वाज नॉट एट ऑल एक्साइटेड फॉर माय बर्थडे बिकॉज कुछ ऐसे रीजंस थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आई वाज नॉट इन मूड टू सेलिब्रेट माय बर्थडे, एंड वो चीज़ काफ़ी हद तक मुझे इफ़ेक्ट की है, एंड वो मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा। अगर वो डिस्कस करूँगा तो ट्रस्ट मी, ये जो व्लॉग मैंने आपको सिर्फ अपना बर्थडे बताने के लिए और क्या कैसे सेलिब्रेट किया वो बताने के लिए मैंने बना रहा हूँ, वो बिल्कुल स्पॉयल हो जाएगा। बट आपको इतना बता देता हूँ कि ये जो मई का महीना था ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग और बहुत ज़्यादा यू कैन से अनएक्सपेक्टेड था। इस महीने में मैंने कुछ ऐसा शख्स खोया है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, तो इसके बारे में फिर कभी किसी व्लॉग में बात करूँगा। आज जिस मुद्दे पे बात करना है वो मेरा बर्थडे। सो थैंक यू, आप सबने विशेस की, थैंक यू वेरी मच। इस साल जो एक चीज़ सबसे अच्छी हुई है वो ये हुई है कि मैंने अपनी टीम को और ख़ुद भी ये चीज़ स्पेशली कही कि इस साल जिस जिस की विशेज़ आएंगी सबको रिप्लाई जाना चाहिए, एंड मैंने भी ये ट्राई किया कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, बट अगर किसी का रह गया तो माफ़ी चाहूँगा, बिकॉज पिछले साल मैं विशेज़ का रिप्लाई नहीं कर पाया था, तो मुझे बुरा लगता है यार आप टाइम निकाल के एक मैसेज लिखते हो बड़ा सा या कभी स्टोरीज पोस्ट करते हो तो मैं वो नहीं देख पाता हूँ, मुझे जनरली बुरा लगता है। तो इस साल मैंने ट्राई किया सबको रिप्लाई करने का। अब ये जो बर्थडे था ना, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन बर्थडे था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, बट ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सही था, और ट्रस्ट मी लॉकडाउन में तो दी बेस्ट, दी नेक्स्ट लेवल हो गया था। हुआ ये था कि जिस रात 26 को मेरा बर्थडे था, तो जब 12 बजे के बाद 26 शुरू होती है, मेरी प्रभ से बात हुई, मेरी पूरी टीम से बात हुई। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक्स ब्रो, थैंक्स। तो देखो नॉर्मल, एंड मैंने भी बोला कि भाई आने की ज़रूरत नहीं है, जो ये माहौल चल रहा है तो बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बात हुई, उन्होंने विश किया, सब केक वेक कट किया हमने, है ना। तो ये सब होके मैं सो गया था, 3 बजे तक सो गया। सुबह में उठा 10:30-11। पहले तो वहाँ पे मुझे एक, मेरी सारी टीम ने और कुछ मेरे इंस्टाग्राम के जो फ्रेंड्स हैं, मेरे फैंस हैं, उन्होंने कुछ वीडियो बना के भेजी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बट इस व्लॉग के लास्ट में दिखाऊँगा, अभी नहीं। वो देखना ज़रूर, वो 5-6 मिनट की वीडियो है, तो वो ज़रूर देखना। एंड काफ़ी लोगों ने विशेज़ की, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद मुझे आया प्रभ का फ़ोन, पर ही कहाँ हो, मैं कह रहे मैं घर पर हूँ, बाहर आ जाओ, मैं आ गया। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये कैसे आ गया। हैप्पी बर्थडे। सो प्रभ अभी दोनों आए मेरे घर, मुझे उन्होंने सरप्राइज दिया। ये सबका प्लान था, बमरे को पता था, अभी को तो चलो पता था, प्रभ को पता था, पायल वॉज नो अबाउट दिस, एंड और भी एक दो जनों को पता था, मुझे नहीं पता था। तो ये था मेरे बर्थडे का सबसे अच्छा सरप्राइज़, क्योंकि मेरे दोस्त आए। मैंने नहीं तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था, मैं आराम से सो जाना था, कुछ मेरी लाइफ में 26 मई को एक्साइटेड नहीं होना था। तो वो आए, हमने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। तो सबसे पहले तो आते ही मैंने उनको भेजा वॉशरूम में, मैं कहा भाई पहले नहाओ, तुम नहा दो के अंदर आना, क्योंकि मैं बहुत डर चुका हूँ ये जो चल रहा है सीन उससे। मुझे उन्होंने सरप्राइज़ दिया, फिर हम रेडी हुए, हम थोड़ा बाहर गए,
सबवे खाने गए हम, एंड फिर घर आए, फिर हमने केक कट किया। और अब आप देखोगे केक कट किया मैंने, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई आपने केक वेस्ट कर दिया, लगा दिया। मैं उन ज्ञानी लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने कुछ गुड कॉज भी करके आया था, जो मैं कैमरा के सामने नहीं दिखाऊंगा, बट हो किया था मैंने, इतना बता दूंगा। तो ये मत कहना कि मैंने ख़राब किया कुछ किया, एक ही दिन था मेरी ज़िंदगी का जिसको मुझे अच्छा बनाना था, तो उसमें मैंने ये चीज़ इग्नोर की है। अब आप देखो मेरे बर्थडे के लिए, जब हमने केक काटा तब तक मैं अपना मॉर्निंग दूध पीता हूँ। आओ जी, हाँ जी, चुड़िया तो नहीं है, चुड़िया यही साले पेट पीछे छुरिया मार दे। चट्टी बट्टी होना मम्मी भाई, हैप्पी बर्थडे भाई, रावे कैमरा मुंडे नु वीडियो कुछ इस तरह हमने अपना बर्थडे केक काटा। मेरा फेस बहुत ज़्यादा लबेड़ दिया प्रभु ने, फिर हमने साफ वाफ किया, फिर हम आए नीचे। मैंने पहले प्लान किया था कि नीचे वाले रूम में कट करेंगे, बट देन मुझे पता चल गया था कि गन डालेंगे, तो मैंने कहा ऊपर चलो तुम, ऊपर वाले रूम में स्टूडियो वाले कमरे में कर लेते हैं। और उस दिन सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, मैं गलती से जो एसी होता है वो इन्वर्टर पे चला बैठा, तो इस दिक्कत से हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया। जिस दिन मेरा बर्थडे था वो मुझे दूसरा गिफ्ट मिला। चलो हो गया, फिर हम नीचे आए। नीचे हमने चिकन बनवाया हुआ था मम्मा से, और फुल प्रॉपर सीन सेट था, तो काफ़ी इन्जॉय किया। ब्लेसिंग फिल दिया ये राजे भाजी ने, गुड़िया आई है। थैंक यू सो मच पुत्र, आए कड़ा सोना बनाया। हैप्पी बर्थडे राजन चाचू। 1 2 3 4 5 5 स्टार। आए थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, लव यू, थैंक यू बेटा। अब कुछ वीडियोस वो टाइम एंजॉय करते हुए की आपके साथ। भाई आए हो, ते खड़े हो ताकि ये जत पे रवानी आई। ਨੱਤੀਆਂ ਚ ਦੇਖਦਾ ਨੀ ਪੀਂਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਪਰ ਯਾਰੀਆਂ ਚ ਮੁੱਕਣੇ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ। ਆਓ ਫਾਇਦਾ ਕੀਆ ਜਾਗੂਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਹਜੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਰੰਫਰ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਗੋਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਜੈਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਖਰੋ ਦੇ ਹਾਟ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸੁਣੀ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਟ ਦੀ। ਓ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚ ਨੱਚੀ ਦਾ ਨੀ ਸੰਗ ਕੇ, ਨਾ ਅਸਲਾ ਚ ਲਾਇਆ ਕਦੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ। ਓ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਤਬਾਈ ਦਾ ਕਦੋਂ।
यार मेरे सारे बिलो कैंट ने कैंट इना दिया ने सहेलियां यार मेरे सारे बिलो कैंट इना दिया ने सहेलियां साथी कोई किसे ना करौंदा गल ना लोकी मारदे ने छड़ा कह कह के तेरियां सत अठ ने नी लिया ओए के गुगड़ गड्डी हो ओए थैंक यू सो मच वीरियो थैंक यू आई लाइक इट थैंक यू वीरियो थैंक यू अच्छा थैंक यू अर्श ओ देखो पूरा ही मुर्गा किते मुर्गा ओ मुर्गा थैंक यू वीरे अभी हां जी चार आ रहे चलो काना ओके भरा मेरा ओके ओके रात को 11:30 बजे तक पार्टी चली 25 साल का हो गया आपका राजन लूथरा और 25 साल में बहुत कुछ देखने को मिला. दिस वॉज दी बेस्ट बर्थडे ऑफ माई लाइफ. कुछ लोग नहीं थे इस बर्थडे पे मेरी ज़िंदगी में बट उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता. एंड बमरा वॉज मिसिंग ब्रो आई हेट यू. तू आया नहीं आई हेट यू ब्रो. आप सब नीचे कमेंट्स में बमरे को लानते डाल सकते हो कि वो आया नहीं. एंड बाकी ये बर्थडे ज़िंदगी का सबसे अच्छा था. अभी मैं ये बर्थडे भूलूंगा नहीं कभी. और अभी ये मैंने पार्टी दे के बर्थडे ख़त्म नहीं किया. ये सिर्फ क्वारंटाइन बर्थडे था. अभी बर्थडे एक अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे जब सब खुल जाएगा और उसका व्लॉग ज़रूर आएगा आप सबके पास. तो विद दिस मैं आज का व्लॉग ख़त्म करना चाहूँगा. बस एक लिटल अपडेट थी आपको बर्थडे के बारे में बताने के लिए और इस व्लॉग में कुछ नहीं था. अब मैं वो वीडियो डालूंगा जो मेरे फैंस ने मेरी टीम ने मेरे सपोर्टर्स ने बना के भेजी है. पूरी एक वीडियो है तो देखना. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर प्रीशियस टाइम. थैंक यू एवरीवन. एंड मुझे बहुत सारे बर्थडे गिफ्ट्स आए हुए हैं. अगले व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूंगा. अब कोशिश करूंगा कि डेली व्लॉग्स आए. सो विद दिस इजाज़त लेता हूं आप सबसे. आई लव यू ऑल गाइज. आज दे वास्ते रो आप सारे हम चढ़ दी कलच रखे एंड खड़का आगे. सेकेंड बर्थडे इन लॉकडाउन. सोचा था ये बर्थडे साथ मनाएंगे, साथ सेलिब्रेट करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे बट पॉसिबल नहीं. सो लाइक यू ऑलवेज मेक श्योर पीपल अराउंड यू फील स्पेशल केयर्ड फॉर हैप्पी. दिस टाइम वी थॉट वी शुड डू समथिंग फॉर यू. यू नीड टू वॉच दिस. हैप्पी बर्थडे राजन चाचू. आई लव यू. मेरे केक कदों खिलाना. Happy birthday. I wish you a happy and fun celebration with lots of treat. God bless you. Enjoy your day. Party hard. Happy birthday, Rajan. God bless you. Okay, बस एक तो बात कुछ नहीं कहना ना. पार्टी पूर्टी देनी नहीं उन्होंने. Happy birthday. Happy birthday, Rajan. Enjoy your day. And मैनु छेती छेती मिले यार. मतलब तेरे birthdays भी जा रहे ने, दिन बीती जा रहे ने, असी कदों मिलांगे. हैप्पी बर्थडे अगेन एंड गॉड ब्लेस यू. एंड तू इदा ही हमेशा कुछ ना कुछ इदा दा करदा रहे, सानू एंटरटेन कर, ते तू जो जो चाहता तेनू मिलता रहे. सो यस हैप्पी बर्थडे. बाय. हैप्पी बर्थडे चाचू. गॉड ब्लेस यू. वाहेगुरु तेनू चढ़दी कला विच रखे. भरा मेरा हसदा वसदा रहे. लव यू वीरे. मेरिया उम्र भी मेरे भरा लग जाए. लव यू. हैप्पी बर्थडे राजन ब्रो. हैप्पी बर्थडे जाने. मे गॉड ब्लेस यू. हसदा वसदा रहे. एंड यस कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे सेम ऑलवेज. सत श्री अकाल राजन वीरे. जन्मदिन दी बहुत बहुत मुबारक मेरे भरा नू. मालक खुशियां भरा टाइम लैके आवे. तो सानू सारा ने वीरे ते बहुत प्राउड आ. तू बहुत मेहनत करता है ते मेहनत का मुल पै भी रहा है. तो बस इदा ही काम खिंची रखो. तो अगला सारेगा तुम जरूर मिलोंगे. तो मालिक इदा ही प्यार बनाई रखे अपना वीरे. हैप्पी बर्थडे राजन वीरे. गॉड ब्लेस यू विद ऑल हैप्पीनेस एंड सक्सेस. कीप राइजिंग ब्रो. विल मीट यू सून. हैप्पी बर्थडे राजन. सेंडिंग सो मच लव एंड स्माइल्स टू मेक योर डे स्पेशल. आई जस्ट डोंट नो कि हाउ वी क्लिक एंड ऑल कैसे हो गया. सोशल मीडिया पे तो मैं किसी से इतना कनेक्शन नहीं करती बट यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन एंड जिससे इतनी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी. एंड आई जस्ट वॉन्ट कि यू शुड स्टे हैप्पी ऑलवेज. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन.
मेरे भरा राजन नू ओदे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई होवे। मेरा भरा लखां तरक्कियां करे, लखां कमावे। मेरा भरा चढ़दी कला विच रवे। गॉड ब्लेस यू वीरे। हाय, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट पर्सन आई नो। हैप्पी बर्थडे राजन, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग एंड वी पार्टी सून, बट अभी तो नहीं आ सकता। सो या, मेरी पार्टी पेंडिंग है। सो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मेरा सोहना जिहा भरा बटाले वालिया, ते फगवाड़े वाले वालों तेनू बहुत सारिया मुबारक, बहुत वैल विशिज। इदा ही हसदा वसदा रह, खुश रह, साडी यारी इदा ही घैंट बनी रहे। तो बहुत लोगों ने साडी यारी नू तोड़न की कोशिश की, पर भरा बाजियां इदा कदी नहीं टुटदियां। तो यही कहूँगा, आपां लाइफ च बहुत घैंट घैंट मूमेंट्स इंजॉय किए, अगे भी करने हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा बर्थडे ते नहीं आ सकना, पर बर्थडे तो बाद आपां पक्का रूमा दियां लाइटां ते भी जाना, अरोमा मूहरे भी जाना, जे डबल्यू भी जाना, ते होर बहुत ऐश करांगे। अरोमा दियां लाइटां नहीं आपां नूं भुलनियां, ना वो लिफ्ट भुलनी ते ना वो टीवी वाली कंध भुलनी। ते मैं बिन पीते डिगी जाना बटाले वाले, पता नहीं क्यों इन्ना चा देख ला तेरे जाम लैंदा। बिन पीते नशा चढ़ा गई ओए राजे दे जन्मदिन की खुशी। लव यू सो मच मेरी जान, माफ़ी चाहूँगा नहीं पहुँचना, क्योंकि सिचुएशन तुहानूं पता, कोविड चलदा। बाकी दिलों प्यार मेरी जान, लव यू सो मच। सैड ना हैप्पी बर्थडे राजन ब्रो, गॉड ब्लेस यू, हमेशा हंसता वसदा रहीं, रब तेन तरक्कियां बख्शे, जल्दी जल्दी तू स्टार बने, लव यू ब्रो। हाय राजन, हैप्पी बर्थडे, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई होप योर स्पेशलिटी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस, लव एंड फन इन योर लाइफ, बिकॉज यू टोटली डिजर्व देम अ लॉट। एंड या, आई मिस यू, hope to see you soon, I love you, bye bye, take care, stay safe, bye. Happy birthday to you. बड़ी जवनी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन, ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। लव यू, मम्मी लव यू, लव यू टू। पहले प्यार ना करो, प्यार ना करो, लव यू टू, प्यार ना, टू टू टू। पारी तक आता फिर एक करा।